बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिप सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है सुजुकी GS150 GD110 के स्पेयर पार्ट के मुतालिक वीडियो है। इसमें जनरल स्पेयर पार्ट कोई भी नहीं है, इसमें चाइना का सामान जो है ज़्यादा है। बेसिक आपसे वीडियो शेयर करने का ये मकसद है था कि आप दोस्तों के नॉलेज में हो कि अगर आप अपनी बाइक में सलफ़ डालना चाहते हैं तो जनरल सलफ़ इसका जैसा कि 10,000 रुपये का है, तो ये चाइना का सलफ़ आपको 4,000 रुपये का मिल जाएगा और ये भी इसमें बड़ा बेहतरीन चलता है। और दोस्तों, सबसे जो ज़रूरी बात अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर करता चलूँ कि अगर मेरे किसी दोस्त को ये सामान चाहिए, किसी दूसरे शहर में चाहिए, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपको सामान के लिए जो भी, अगर आपको जैसा कि ये कारपेंटर चाहिए, इसकी आपको एडवांस पेमेंट मेरे अकाउंट में लगवानी पड़ेगी। नॉर्मली जो है मैं ज़्यादातर काम करता हूँ TCS के ज़रिए या MNP के ज़रिए, तो इनके जो है कम से कम जो पाकिस्तान में डिलीवरी चार्जेस हैं वो 3 किलो तक 500 हैं और 3 किलो से ऊपर अगर वेट हो जाए तो वो 1,000 रुपया हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि कस्टमर को चीज़ जो है बिल्कुल सही सलामत पहुंचे। तो अगर आपको ये सामान चाहिए तो आप जो है इसका तरीका कार ये होता है कि आप मुझे पेमेंट जो है एडवांस लगवाएंगे, तो उसके बाद ही ये सामान आपको मैं सेंड करूंगा। इसकी जो पर्ची होगी, इसकी जो लेपर कोरियर से मुझे जो स्लिप मिलेगी वो आपको मैं सेंड कर दूँगा। तो जी दोस्तों, ये अपने दोस्तों के साथ जो सबसे पहली चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ सुजुकी GS150 का ये सलफ़ है, चाइना का ये सलफ़ है और ये आपको मुझसे 4,000 रुपये का मिल जाएगा। आप दोस्तों से एक और बात मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि मार्केट में आपको इससे हल्की भी प्रोडक्ट मिल जाएगी, तो ये सलफ़ आपको 3,000 रुपये का भी मिल जाएगा, 3,500 का भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास जो सामान है इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और मैंने इन चीज़ों को चेक किया हुआ है। ये सलफ़ चाइना का सलफ़ है और सुजुकी GS150 में बड़ा ही बेहतरीन चलता है। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ अगली चीज़ जो शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GD110 का सलफ़ है, ये भी चाइना का सलफ़ है और ये भी आपको मुझसे 4,000 रुपये में मिल जाएगा। सुजुकी GD110 में आजकल जैसा कि बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है इसके सलफ़ का, इसके कार्बन जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो ये सलफ़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसकी जो लाइफ है तकरीबन 20 से 25,000 किलोमीटर ये सलफ़ बड़े ही आराम से चलता है। तो ये सुजुकी GD110 के ब्रेक शू हैं। ओरिजिनल ब्रेक शूओं की जो प्राइस है वो आपको शोरूम से 3600 रुपये के ब्रेक शू मिलेंगे। सेम इसी पैकिंग में तो वो ब्रेक शू होते हैं, बस उसके इस जगह पर स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर इसकी कीमत लिखी होती है। ये ब्रेक शू आपको मुझसे 1,000 रुपये के मिल जाएंगे और बड़े ही ज़बरदस्त ये ब्रेक शू चलते हैं। मैं काफ़ी देर से ये ब्रेक शू इस्तेमाल कर रहा हूँ और गारंटी के साथ ये ब्रेक शू जो है 15 से 20,000 किलोमीटर तक बड़े ही सुकून से चलते हैं। तो ये अगली चीज़ जो अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GD110 का गरारी सेट है और ये कह लेंगे जापानी गरारी सेट है और ये चोहो कंपनी का इसका चैन है और चाइना की इसकी ये गरारियाँ हैं। GD110 में अगर ओरिजिनल के बाद कोई चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये गरारी सेट है, ये आपको मुझसे जो है 3,000 रुपये में मिल जाएगा। एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि जिस भी सामान का आप ऑर्डर देंगे उसकी पेमेंट एडवांस होगी, कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सुजुकी GD110 में ये गाड़ी सेट चलता है और ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है बिल्कुल जेन्युइन की ही कॉपी हैं और चैन भी इसमें ये चोहो कंपनी का मलेशियन चैन है और ये आपको मुझसे 3,000 रुपये का मिल जाएगा। अगली आइटम जो है अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, सुजुकी GD110 का ये पिस्टन है। ये पिस्टन आपको तकरीबन 1500 रुपये में मिल जाएगा और अभी तक मैंने जितने भी ये पिस्टन इस्तेमाल किए हैं मुझे इसकी कंप्लेन कोई नहीं आई। बाइक जो है इस पिस्टन से धुआं बिल्कुल भी नहीं मारती। सुजुकी GD110 में इग्निशन स्विच का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। ये इग्निशन स्विच चाइना के, अब मेरे पास चाइना का इग्निशन स्विच मेरे पास आया हुआ है। इसमें इग्निशन स्विच प्लस ये टैंकी का ढक्कन है और ये आपको 2500 रुपये में मिल जाएगा। ओरिजिनल आपको ये दोनों चीज़ें तकरीबन 7,500 रुपये की मिलेंगी। तो ये जो अपने दोस्तों के साथ अगली दोनों चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सुजुकी GS150 GD110 के ऑयल फिल्टर हैं। ये वाला फ़िल्टर जो है आपको मुझसे 200 रुपये में मिल जाएगा। हूबहू आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल की कॉपी है। फ़िल्टर जो है वो 680 रुपये का है। आप उसकी जगह अगर ये फ़िल्टरों का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बड़े बेहतरीन चलते हैं। ये 200 वाला फ़िल्टर आपका तकरीबन 2,000 चल जाता है और ये 300 वाला फ़िल्टर आपका 3,000 किलोमीटर तक बड़े ही आराम से चलता है। 6,500 रुपये में ये कारपेटर आपको मुझसे मिल जाएगा।
बड़ा ही ज़बरदस्त ये चलता है, और मैंने पिछले तकरीबन 2 साल से अपनी ही बाइक में कारपेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ और बड़ा ही ज़बरदस्त चलता है। पेट्रोल एवरेज इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही नॉर्मल प्राइस है। आप दोस्तों से मैं एक और चीज़ शेयर करता चलूँ कि सुजुकी GS150 का जैसे इसके इस जगह पर बटरफ्लाई का रबड़ होता है, ये ओरिजिनल रबड़ की कीमत ही खाली 4500 रुपया है, और पूरा कारपेटर इसका तकरीबन 27 से 28 हज़ार रुपये की रेंज में है। लेकिन आप उसकी अगर आपकी बाइक में इशू है कारपेटर का, अगर आप पेट्रोल एवरेज से तंग है, तो आप इसमें ये वाला कारपेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। GS150 का जी ये पिस्टन है, टाइगर कंपनी का पिस्टन है। आजकल जैसा कि ओरिजिनल पिस्टन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, आपको नहीं मिलता, तो अगर आप अपनी बाइक लोकली चलाना चाहते हैं तो आप इसमें ये पिस्टन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें रिंग जो है ये जापानी रिंग है, टॉमकैट कंपनी की रिंग है। वाला पिस्टन आपको 1500 रुपये में मिल सकता है, बहुत इजीली ये पिस्टन मिल जाता है, टाइगर कंपनी का पिस्टन है। ऐसा कि मेरे दोस्तों को पता है कि इसके ओरिजिनल ब्रेक शूज़ों की थोड़ी सी कंप्लेन है, ब्रेक शू थोड़ी सी आवाज़ करते हैं, तो उसकी जगह हमने ये स्पेशल ब्रेक शू बनाए हुए हैं। जेन्युइन ब्रेक शू भी आपको 700 के मिल जाते हैं, और ये ब्रेक शू भी आपको 700 के मिल जाते हैं। लेकिन इन ब्रेक शूज़ों की एक ये क्वालिटी है कि इनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर आप जो है अगर गौर से देखेंगे, मेड इन जापान इसकी पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप जो है अगर कहीं से भी ये प्लेटों को परचेज़ करेंगे तो आपको ये प्लेटें खुली मिलेंगी, लेकिन इसकी ये निशानी होती है कि इसकी एक स्मेल, एक लहदा सी स्मेल इसकी होती है इन प्लेटों की। तो ये प्लेटें आपको जो है मुझसे 3500 रुपये की मिल जाएंगी। अगर एक सेट में जो है 5 प्लेटें होती हैं, 3500 रुपये में ये सेट आपको मुझसे मिल जाएगा। सुजुकी GS150 में आजकल जैसा कि गाड़ी सेट के बहुत ज़्यादा इशू आता है, तो ये गाड़ी सेट अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। STR कंपनी का गाड़ी सेट है, 4000 रुपये में ये गाड़ी सेट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये गाड़ी सेट ओरिजिनल से कह लेंगे बेहतर ही चलता है, बड़ा ही ज़बरदस्त ये गाड़ी सेट है, और 4000 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये जो अगला गाड़ी सेट है सुजुकी GR150 का गाड़ी सेट है, और ये भी STR कंपनी में गाड़ी सेट है। ये आपको जो है मुझसे 4500 रुपये में गाड़ी सेट मिल जाएगा। सुजुकी GR150 का जो ओरिजिनल गाड़ी सेट है वो है जी तकरीबन 7500 रुपये का, लेकिन ये गाड़ी सेट भी बहुत ही ज़बरदस्त चलता है। लोकल से लोकल भी आप इसका गाड़ी सेट ले लें तो आपको तकरीबन 3000 से 3500 का मिलेगा GR150 का। उसकी जगह आप इस गाड़ी सेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ा ही ज़बरदस्त गाड़ी सेट है। गारंटी के साथ ये गाड़ी सेट भी तकरीबन 20 से 25 हज़ार किलोमीटर चल जाता है।